हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि बैसाख महीना द्वितीय। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व मलेरिया दिवस। मच्छर जनित बीमारी मलेरिया से बचाव और रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज के दिन को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल WHO ने थीम भी क्या रखी है देख सकते हैं आप, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर की गई, चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की SIT जांच कराने की मांग की गई। SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स का गठन किया जाए। हाल ही में जो SBI के द्वारा चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा जारी किए थे, उसके बाद से आपको पता होगा मौजूदा सरकार पर काफी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इस बीच अब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना की जांच विशेष जांच दल द्वारा कराए जाने की मांग की याचिका दायर की गई है। और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के द्वारा लगाई गई है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट में EVM और VVPAT के 100% वेरिफिकेशन मिलान को लेकर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा कि चुनाव हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है। 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए कल 26 अप्रैल को मतदान होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार समेत कई राज्यों में ये चुनाव मतदान होंगे दूसरे चरण के। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होगी, तो आप भी जरूर वोट डालने जाएं दोस्तों। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब भारतीय पहनेंगे आरामदायक और फिट जूते। UK और US नहीं बल्कि अब BHA दिलाएगा आपको परफेक्ट शू साइज। बात कुछ यूं है दोस्तों कि अब हमारे भारत में बिकने वाले जूते भा नाम के कोड से बिकेंगे। ये स्पेशली भारतीयों के पैरों की साइज के हिसाब से बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे भारत में भी जो जूते चप्पल बिकते हैं ना, वो अमेरिकी और यूरोपीय फॉर्मेट के बिकते हैं, इसलिए सही साइज के नहीं बैठते हैं भारतीय लोगों के पैरों में। लेकिन अब सरकार के नए दिशा निर्देश के बाद भारतीय नंबर के जूते BHA सीरीज के बिकेंगे। एक्चुअली होता है कि भारतीयों के पैर जो है अमेरिकियों और यूरोपियन के मुकाबले ज्यादा चौड़े होते हैं, लेकिन भारत में बिकने वाले जूते चप्पल भी इतने दिन अमेरिका यूरोप वाले इंटरनेशनल मापदंड के बिक रहे थे। तो अब सरकार ने पूरे इस इंडस्ट्री के लिए नया आदेश जारी किया, एक BHA कोड रखा गया है। इसका मतलब है भारत से अगले साल 2025 से ही सभी जूता चप्पल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ये नए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानकों का पालन करना होगा, है ना। ये देख सकते हैं अगले साल से 10 नहीं बल्कि 8 साइज में आएंगे फुटवियर, अलग अलग उम्र के लोगों और महिलाओं के हिसाब से, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक पर चला RBI का डंडा। दरअसल RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक तो इस बैंक के द्वारा ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है, और साथ ही बैंक नए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकेगा और ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक लगा दी है। RBI का कहना है कि पिछले कई महीनों से कोटक महिंद्रा बैंक अपनी खामियों को दूर नहीं कर रहा था, और यही वजह है कि RBI की तरफ से ये सख्त कार्रवाई की गई। इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने कल DLS न्यूज पर डाल दी है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और वैसे रुपये पैसों से जुड़े भी कई सारे नए नियम 1 मई 2024 से बदलने जा रहे हैं, इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। 3-4 मिनट का वीडियो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी हुई है। बैंकों में लागू होने वाले नए नियम, LPG गैस वगैरह के जुड़े 4 बड़े अपडेट हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच अब UN की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि मई तक गाजा में भूखमरी का खतरा पैदा हो जाएगा। हर घंटे अभी भी 6 बच्चों की मौत हो रही है, क्योंकि इजराइल हमास जंग के बीच हालात ये चल रहे दोस्तों कि गाजा में लोगों को खाना पानी तक भी नहीं मिल पा रहा है। युद्ध की स्थितियों से इतने गंभीर हालात बने हुए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही, पेमेंट कंपनी PayU को अब नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले साल जनवरी 2023 से ही RBI ने PayU पर ये रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब ये रोक हट चुकी है। PayU कंपनी अब नए कस्टमर्स को जोड़ सकेगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, डेटा खपत के मामले में हमारी भारत की रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है। चौथी तिमाही में यूजर्स ने 40 एक्साबाइट डेटा इस्तेमाल किया। चलिए खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। टी रवि शंकर के पास करेंसी मैनेजमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट समेत कई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और भारतीय सैनिकों के लिए बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों, DRDO ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, और इस जैकेट की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्नाइपर की 6 गोलियां भी इसको भेद नहीं सकती हैं। और इसकी लॉन्चिंग पर हमारे आर्मी चीफ बोले कि अब युद्ध में जाने से हिचकिचाएंगे नहीं हमारे जवान। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए खास तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जो हल्का और बहुत मजबूत है। ये वाकई में भारतीय सैनिकों के लिए बड़ी शानदार खबर है। अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने PM मोदी की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी, और प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ याचिका लगाई, तो अब जांच भी शुरू कर दी है चुनाव आयोग की तरफ से। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ा। देखिए, हलफनामे के लिए केजरीवाल को कोर्ट से समय मिला, हालांकि अब उनकी जमानत के लिए अगली सुनवाई 14 मई को होगी। ED के समन नजरअंदाज करने का मामला भी सामने आया। चलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, प्राइवेट संपत्ति पर क्या किसी समुदाय या संगठन का
का हक है या नहीं। सीजेआई की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। एक 32 साल पुरानी याचिका पर अभी सुनवाई चल रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस पर क्या अपडेट आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए स्पेस साइंस से बड़ी खबर, नासा के वॉयजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर दूर से भेजा सिग्नल। 5 महीने पहले स्पेसक्राफ्ट की चिप में दिक्कत आई थी। 46 साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये वॉयजर 1 को लॉन्च किया था और ये अभी भी सक्रिय है, बराबर सिग्नल भेज रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जो हाल ही में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से 24,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति को जो रद्द किया था ना, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया अखबारों में। क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले वाला माफीनामा काफी छोटी साइज का था, वापस से माफीनामा छपवाएं। तो आप देख सकते हैं आप ये तस्वीर भी, अब पतंजलि ने माफीनामा थोड़ा बड़ा छपवाया है, अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी। चलिए खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया की निंदा करते हुए कहा कि वे भारत की आलोचना करके चुनाव पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल भारत के खिलाफ दुनिया के दूसरे देश काफी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल मुद्दे पर भी आपने देखा होगा अमेरिका जापान वगैरह ने काफी भारत के लोकतंत्र को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए थे। और अब एक बार फिर से चीनी अखबार ने भी भारत के विदेश नीति पर सवाल उठाए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत से दूर हो रहे हैं उसके पड़ोसी देश, मालदीव ने स्वतंत्र नीति भी चुनी। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ये भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे थे, इस दौरान बेहोश हो गए। सुरक्षा कर्मी उठाकर उन्हें मंच से नीचे लाए। इससे पहले 2018 में भी अहमदनगर के कार्यक्रम में वो बेहोश हो गए थे। अभी उन्हें शिवसेना प्रत्याशी की रैली के दौरान चक्कर आया, पास खड़े नेताओं ने उन्हें संभाल लिया, इलाज चल रहा अभी उनका। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और देखिए भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात, भारत की मीडियम रेंज मिसाइल का टेस्ट सफल हुआ। सरकार बोली कि नई टेक्नोलॉजी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी मिली। रूस भी जल्द ही S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट साल 2025 में भेजेगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों बर्ड फ्लू को लेकर, देखिए आप झारखंड में भी अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और उसके बाद कई इलाकों में मुर्गा मुर्गी चिकन वगैरह अंडे की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, इसको लेकर अब प्रशासन भी हाई अलर्ट पर आ गया। रांची के संक्रमित एरिया के लगभग 1 किलोमीटर तक के दायरे में इन चीजों पर रोक लगा दी गई है। रांची के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में ये बर्ड फ्लू का कहर देखा जा रहा, 2196 पक्षियों को भी मार डाला गया। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा केरल में भी बर्ड फ्लू का प्रकोप आया था, 21,000 बतखों को मारा गया था। H5N1 वायरस की वजह से ये बर्ड फ्लू फैलता है। अभी अमेरिका में भी इसका खतरा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका में एक जगह पर तो पाश्चराइज्ड दूध में भी बर्ड फ्लू वायरस के अवशेष मिले हैं। अब जांच के लिए नमूने भी भेजे गए। चलिए मार्केट से अपडेट आ रहा दोस्तों, सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 73,852 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की तेजी रही। टाटा कंज्यूमर का शेयर 5.48% तक फिसला। हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी ने 175% डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। क्वार्टर 4 में 27% मुनाफा बढ़ा। और स्टॉक मार्केट का एक और हिंट आपको देना चाहूंगा दोस्तों, रेलवे PSU को एक दिन में डबल ऑर्डर मिले, एक साल में 225% तक रिटर्न दिया। तो आज गुरुवार को इस स्टॉक पर आप नजर रखें। मल्टीबैगर रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को एक ही दिन में ये 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि एक सप्ताह में ही ये स्टॉक 10% से ज्यादा उछल चुका है। अच्छा वैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात हो रही है तो दोस्तों काफी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बिगिनर्स को तो पता ही नहीं चलता कि कैसे और कहां से स्टार्ट करें, राइट। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ऐप मैंने डिस्कवर की है, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे इजी वे में डिजाइंड है कि आप फ्यूचर और ऑप्शंस में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ट्रेड वीडियो बताता हूं जो कि मैंने मार्केट वुल्फ पर प्लेस की थी। मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फीचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहां मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो अप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने आप मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी अप ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है, और मैं वुल्फ वे यूज करता हूं क्योंकि इसमें मार्केट वुल्फ ऐप मेरा रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करता है। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माय प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने 1652 रुपए कमाए, विच इज 63% इन जस्ट 2 मिनट। आप भी इस ऐप में इजीली पैसे कमा सकते हैं, और अगर लॉस हुआ तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू रीड डिस्क्लेमर। ओके आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। शीला सरकार में 15 साल मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हो सकता है जल्दी वो बीजेपी में भी शामिल हो जाए। और वही देखिए पीएम मोदी ने बताया 405 सीटें क्यों चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है, ये खेल बंद करना है।
एमपी भोपाल में 30 मिनट में 1.25 किलोमीटर चले पीएम मोदी। खुली जीप में सवार होकर उन्होंने रोड शो भी किया, लोगों ने फूल भी बरसाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश इटावा कन्नौज से अब अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, आज दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे। 2 दिन पहले भतीजे तेज प्रताप को दिया था टिकट। और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजस्थान बाड़मेर में 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नहीं पहुंचे डोटासरा भी। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने भी बालोतरा और सिवाना में मांगे वोट। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए स्टार प्रचार रेडी है। गृहमंत्री अमित शाह 26 तारीख को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 28 को और राहुल गांधी 29 को छत्तीसगढ़ में सभा करेंगे। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। वहीं देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बिहार में मुस्लिम नेता ओवैसी ने क्या कहा, 26 अप्रैल जुमा का दिन है, शैतान कामयाब नहीं होगा। किशनगंज में वो बोले कि मोदी सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं। इधर देखिए, प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, पीएम वोट के लिए डरा रहे हैं। मोदी ने कहा था कांग्रेस मंगलसूत्र गहने लेकर पैसे बांट देगी। आना तो ये कुछ दोस्तों पॉलिटिक्स के माहौल चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पक्ष विपक्ष की बयानबाजी मैंने आपको सब बता दी एक साथ। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में आज बादल बरसने की चेतावनी, 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में हीट वेव यानी कि गर्म हवाओं का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। महाराष्ट्र कर्नाटक समेत 10 राज्यों में उमस का माहौल रहेगा। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी हुआ। अस्पतालों में डेडिकेटेड बेड और वार्ड बनाने के निर्देश भी दिए सरकार ने। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। झारखंड में भी 27 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए मौसम विभाग की चेतावनी, तेज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 2 दिन सस्ता होने के बाद गोल्ड के दाम में फिर से इजाफा यानी कि बढ़ोतरी दर्ज हुई। आज सोना चांदी में तेजी देखी गई। सोना 71,826 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है 228 रुपए की तेजी के साथ, जबकि 1 किलो चांदी में 680 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है और चांदी 80,687 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक बड़ी दुर्घटना की खबर। राजस्थान के नागपुर में एक डंपर से स्कॉर्पियो कार भिड़ गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। मैं आपको आए दिन एक्सीडेंट की ये घटनाएं इसलिए बताता हूं दोस्तों, ताकि आप ये समझ सको कि हमेशा गाड़ी घोड़ा धीरे चलाएं। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के स्कूलों में नहीं होंगे एडमिशन, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। शिक्षा अधिकारियों ने छापेमारी भी की। हरियाणा के कई जिलों में अवैध तरीके से स्कूल चल रहे हैं और उनमें अब इस साल एडमिशन पर भी रोक लगा दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। वैसे उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों का टाइम बदल चुका है। हीट वेव के चलते अब स्कूल खुलने का समय बदला। देखिए आप, यूपी के परिषदीय स्कूलों में ये नया समय लागू होगा। अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के लिए ये नया आदेश जारी किया है और ये बदली हुई नई समय सारणी 25 अप्रैल से ही लागू होगी, आज से ही। चलिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब वंदे भारत ट्रेनों में मिलेगी 0.5 लीटर वाली पानी की बोतल। रेलवे ने इस वजह से लिया फैसला। दरअसल ट्रेनों में पीने के पानी की बर्बादी को बचाने के लिए रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया। पहले 1 लीटर की बोतल मिलती थी, लेकिन अब 0.5 लीटर की ही मिलेगी, है ना। और रेलवे से जुड़ा एक और अपडेट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेवाड़ी दिल्ली स्पेशल ट्रेन का बांदीकुई तक विस्तार किया जाएगा। हरियाणा में यात्रियों की सुविधा को लेकर अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने पीएम की तारीफ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के 40 करोड़ गरीब लोगों को भी गरीबी से बाहर निकाला है मोदी की राजनीतिक स्ट्रेटेजी के द्वारा। और भारत की इकोनॉमी पर भी अच्छी खबर आ रही। देखिए, कारोबारी गतिविधियां अप्रैल में 14 साल के शीर्ष पर चल रही है और भारत में नौकरियों में भी बढ़ोतरी हो रही है, इसको भी समर्थन मिला। लेटेस्ट पीएमआई की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विस्तार के संकेत दिख रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। नीलामी प्रक्रिया से जारी रहेगा स्पेक्ट्रम आवंटन। टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर सरकार का कहना कि केवल सीमित मामलों में ही प्रशासनिक आवंटन दिया जाएगा, बाकी नीलामी प्रक्रिया से ही होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही। पैन कार्ड होल्डर्स सावधान हो जाएं, 31 मई तक नहीं किया ये काम तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अगर आपने अभी तक भी पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो 31 मई तक जरूर कर लें, अन्यथा फिर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए। 31 मई अभी लास्ट डेट है, वरना आपका पैन कार्ड काम करना ही बंद कर देगा। और अगले महीने मई में दोस्तों बैंक हॉलीडे पर भी अपडेट आ रहा है। 12 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेगी। हालांकि मई में कुछ ज्यादा फेस्टिवल वगैरह तो नहीं आएंगे। ये कुछ तारीख वाइज छुट्टियों की लिस्ट और कारण भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी एक चौंकाने वाली साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही है। देखिए, वैज्ञानिकों ने शोध में ये दावा किया है कि कागज पर लिखकर फाड़ दें अगर उस वजह को, तो हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। लोगों के इंसानों के क्रोध यानी कि गुस्से को शांत करने को लेकर हालिया साइंस जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपको किसी वजह से गुस्सा आ रहा, आप एंग्री हैं, नाराज हैं, तो आप उस वजह को एक कागज पर लिख दीजिए और उस कागज को फाड़कर फेंक
दीजिए, इससे आपको काफी सुकून मिलेगा। और रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि गुस्सा शांत करने में काफी असरदार माना जाता है ये टोटका। जापान के शोधकर्ताओं की तरफ से ये रिसर्च की गई, देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप। चलिए खबर आ रही है, SHARP शार्प कंपनी लगा सकती है भारत की पहली डिस्प्ले फैब फैसिलिटी। कंपनी 1000 एकड़ के लिए जमीन भी तलाश रही है। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडी पर तंज कसते हुए कहा कि 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला पर चल रहा विपक्षी गठबंधन। विपक्ष की पूरी पॉलिसी भी बताई उन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान। और खबर देखिए, उत्तराखंड में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया। जल्दी आप डिजिटली भी घूम पाएंगे उत्तराखंड की वादियों में, ये नई सुविधा भी शुरू हो चुकी है उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए खबर देखिए, फ्लिपकार्ट ने शुरू किया शार्क टैंक इंडिया जैसा एक नया प्रोग्राम और इससे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल सकेगी। ये प्रोग्राम ऑलरेडी 22 से चल रहा जो 26 मई तक चलेगा। आप फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इसमें एनरोल कर सकते हैं। और खबर है, रेपिडो की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, वोट देने के लिए इन लोगों को फ्री में देगी कैब और ऑटो सर्विस। दरअसल कंपनी का कहना कि दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को रेपिडो की फ्री कैब सर्विस मिलेगी उनकी यहां वोटिंग के दिन। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मोदी की गारंटी है जब तक है बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। वोटिंग का ग्राफ रेशियो बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस ने भी एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक ही क्लिक पर आपको कई अहम जानकारियां मिल जाएगी। ई संपर्क नोएडा पुलिस ऐप इसका नाम है। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेशी सहायता विधेयक को दी मंजूरी। टिकटॉक पर भी अमेरिका के द्वारा पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा चाइना ने भी कई सारे अमेरिकी ऐप्स को बैन कर दिया था, ऐप स्टोर से ही हटा दिया था। तो अब अमेरिका में भी चाइनीज ऐप्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। टिकटॉक पर बैन लगाने वाला बिल सीनेट से पास हुआ। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए, उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित होंगे। इस ऑफिशियल पोर्टल पर नतीजे चेक करवाएंगे। और कल मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, आपको पता होगा अंशिका मिश्रा और मुस्कान दांगी बने ओवरऑल टॉपर। जयंत यादव ने आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया, 12वीं में कुल 64.49% स्टूडेंट पास हुए। रिजल्ट काफी कम रहा 12वीं का। और देखिए मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी भी। सब्जी बेचने वाले और ऑटो वाले की बेटियों ने मेरिट लिस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की है। और राजमिस्त्री के बेटे ने भी हासिल किए 96.4%। सरकारी नौकरी को लेकर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों, रेल मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर के 452 पदों पर भर्ती निकली हुई है। रिजर्व कैटेगरी को फीस में भी छूट मिलेगी। 14 मई इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस rpf.indianrailways.gov.in पोर्टल के जरिए। ओके चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खेल समाचार पर खबर, आईपीएल 2024 को लेकर देखिए, पंत और अक्षर की पारियों से जीती दिल्ली गुजरात को 4 रन से हराया। रशिक सलाम को 3 विकेट मिले। वही एक रिपोर्ट सामने आ रही कि डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरी बढ़ाने पर भी विचार कर रहा बीसीसीआई। 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी। आईपीएल से वंचित क्रिकेटर्स को भी मदद देना इसका उद्देश्य है। चलिए बड़ी खबर देखिए, रूस के उपरक्षा मंत्री रिश्वत लेते पकड़े गए, उन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा। 23 जून तक अब उन्हें कस्टडी में भेज दिया। यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे ये, और इतने बड़े पद लेवल पर होने के बावजूद देखिए रिश्वत ले रहे हैं, और वो भी पुतिन की सरकार में। अब सोचिए इनका क्या हाल होगा। फिलहाल तो 23 जून तक ये जेल में ही रहेंगे, रक्षा मंत्री तिमूर। वैसे कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। टेस्ला की 4 महीने पहले बनी मार्केटिंग टीम खत्म हुई। सीईओ एलन मस्क ने 40 कर्मचारियों को कंपनी से निकाला। कंपनी में 10% कर्मचारियों की छटने का लक्ष्य रखा गया। इधर पाकिस्तान ईरान ट्रेड पर अमेरिका नाराज हुआ, कहा कि अगर ये बिजनेस बढ़ाया तो हम पाकिस्तान पर बैन लगाएंगे। दोनों देशों में $10 अरब के व्यापार पर सहमति बनी, और उसके बाद अमेरिका की ये प्रतिक्रिया भी सामने आई। और वही देखिए बड़ी खबर, भारत में आई एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बोली कि भारत सरकार ने मुझे देश छोड़ने को मजबूर किया, चुनावी कवरेज की इजाजत नहीं दी। जबकि सरकार का कहना है कि उन्होंने वीजा के नियम तोड़े थे, इसलिए उन्हें वापस उनके देश भेजा गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रकार का यह दावा वाकई में बड़ा शोचनीय विषय है, क्योंकि उसका कहना कि उसे भारत में चुनाव की कवरेज की इजाजत नहीं मिल रही है। क्या भारत कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा? आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए मुझे। और वहीं देखिए, रेलवे का एक और बड़ा फैसला, अब कहीं से भी कहीं का भी जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट ले सकेंगे यात्री। मतलब जरूरी नहीं कि आपको जिस स्टेशन से बैठना है वहीं के लिए टिकट मिलेगा, आप दूसरे स्टेशन से भी दूसरे ट्रेन के लिए दूसरे स्टेशन वाले टिकट को बुक कर पाएंगे। रेल यात्रियों को काउंटर पर ये मल्टी लिंक फैसिलिटी मिलेगी। चलिए खबर है दोस्तों, BGMI ने भारत में लॉन्च किया एक और बैटल रॉयल गेम बुलेट इको इंडिया के नाम से। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में नशा तस्कर रिश्तेदारों के नाम करा रहे हैं अपनी जमीन प्रॉपर्टी संपत्तियों को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आया। चलिए खबर आ रही दोस्तों, NTA ने जारी किया JEE मेन 2024 का परीक्षा परिणाम। 100 परसेंटाइल पाने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। तो JEE मेन का रिजल्ट आ चुका है, 56 छात्रों ने तो 100% स्कोर हासिल किए।
हैं। आप भी अपना रिजल्ट इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। और मोबाइल लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा है, रियलमी नार्जो 70 और 70X स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हुए 12,000 की कीमत पर ही। मैंने आपको कल अनुमानित कीमत बताई थी, राइट। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में सेब पैकिंग को यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य होगा। 20 किलो से ज्यादा भरने की इजाजत नहीं होगी। आढ़तियों और लदानियों की मनमानी पर भी अंकुश लगाया जाएगा। हिमाचल सरकार की तरफ से सेब पैकिंग के लिए ये नए नियम लागू कर दिए हैं। और खबर है, उत्तराखंड में जल्द ही महंगी होगी बिजली। 11% तक बढ़ सकते हैं बिजली के यूनिट रेट। बिजली नियामक आयोग इसी सप्ताह नई दरें भी जारी कर सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की सरकार ने। स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में SOP बनाई। हर एक श्रद्धालु की हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा। मैंने आपको अपडेट बताया था, यात्रा के दौरान 50 जगहों पर जांच होगी और वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी अपडेट करनी होगी। चलिए बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आएंगे आमिर खान भी। बोले कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, वक्त बचाने के लिए अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता हूं। और फिल्म पुष्पा 2 का प्रोमो सॉन्ग भी आउट हो चुका है, 1 मई को रिलीज होगा इसका पूरा गाना। 15 अगस्त को ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, है ना। और एस्ट्रोलॉजी से अपडेट देखिए दोस्तों, कल 24 अप्रैल से ही वैशाख महीना शुरू हो चुका आपको बताऊंगा, जो कि 23 मई तक रहेगा। इस महीने में अक्षय तृतीया आएगी, गंगा सप्तमी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे बड़े व्रत त्योहार भी आएंगे, है ना। और खास करके वैशाख महीना भी हिंदी पंचांग के दूसरे महीने में बहुत ही खास महीना माना जाता है, और इसीलिए कुछ दान धर्म पुण्य जरूर करने चाहिए। और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष और धनु राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए फायदेमंद रहेगा आज का दिन। कन्या राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े और मीन राशि के लोगों को विवादों से दूर रहना चाहिए। वृषभ राशि के लोग बड़े टारगेट पर काम करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति पर जरूर ध्यान दें, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए, कमेंट करके बताना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के लिए मार्केट वुल्फ को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन कमेंट बॉक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।